शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला जो है वो 10 तारीख को जिस पर वर्डिक्ट आने वाला है, अंतिम फैसला आने वाला है, कुछ ही घंटे पहले उद्धव गुट ने इस पर आक्षेप लिया हुआ है और कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जो कि ट्रिब्यूनल है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो कि पिटिशनर है इस केस में उनसे मुलाकात कैसे कर सकते, इस बारे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन भी फाइल किया है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी है, इस पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि उद्धव गुट जो है बहुत आक्रामक होते दिख रहा है एक ही दिन पहले जब ये फैसला आने वाला है। देखो भैया, ये बचकानी बातें हैं। ऐसा है कि विधानसभा अधिवेशन में या विधानसभा अधिवेशन के बाहर भी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अध्यक्ष, ये ऐसे दो प्रमुख पद है कि इनकी मुलाकातें होती रहती है, कभी बैठकों में होती है, कभी अध्यक्ष कुछ बैठकों के बारे में कहते हैं, कभी उद्घाटन होता है, कभी भूमि पूजन होता है, और बाद में अध्यक्ष जी विधानसभा के सदस्य है, उनके मतदार संघ में भी कुछ कार्यक्रम होते हैं या मतदार संघ के प्रश्नों के लिए भी सीएम से मुलाकात होती है। तो मुझे लगता है इसमें बुराई क्या है। अब 2 अक्टूबर को मैं जब लंदन वाघनख के एमओयू के लिए गया था तो वहां पे महात्मा गांधी जी के अभिवादन के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ जी और हम साथ में थे। तो कार्यक्रम में अगर मुलाकात हुई तो इसका मतलब क्या है कि वन विभाग की कोई केसेस सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हमारे बाजू से निकाल लगेगा क्या? अरे मुलाकातें होती है। अब माननीय विश्व गौरव देशनायक नरेंद्र मोदी जी और हमारे शरद पवार साहब आदरणीय नेता है, इनकी भेंट होने के बाद क्या शरद पवार जी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं क्या? देखो, अपने अपने विचारों पे रहते हैं, कोई जज और कोई इनकी भेंट होती है तो ऐसा कहा कहीं नहीं गया है कि भेंट नहीं कर सकते। अब कई कार्यक्रम होते हैं उसमें मंत्री और न्यायमूर्ति भी एक जगह पे कोई कोर्ट की इमारत के उद्घाटन के लिए मिलते हैं तो उसके लिए क्या आप ये प्रश्न उपस्थित करोगे? और मुझे लगता है अच्छा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में वो अगर अपील कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट समझा देगा। तो कम से कम 100 साल कोई नेता ऐसा हो जिसके मन में ऐसे विचार आएंगे तो निश्चित रूप से वो विचारों से अब ये जब थे नरहरि झिरवर उपाध्यक्ष थे, क्या मुलाकात नहीं होती थी क्या? उनके पास भी केसेस थी, गलत बात है। उन्होंने अपने एप्लीकेशन में साफ तौर पर कहा है कि कुछ घंटे बचे हैं और उससे पहले अगर इस तरह की 1.5 घंटे तक मुलाकात बंद दरवाजे के पीछे दोनों की चलती है तो किसी ना किसी तरह जो फैसला आने वाला है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये लीगल मैगजीन के बाहर है, इस तरह से मुलाकात अगर होती है तो लोकतंत्र का खून कहा जा सकता है। नहीं, ऐसा इन्फ्लुएंस कभी नहीं होता है। इन्फ्लुएंस इसलिए नहीं होता कि जजमेंट ये तर्कसंगत होता है, कानून के आधार पर होता है, जो संविधान में हमें प्रोविजन दी है उसके आधार पे होता है। ऐसा कभी बिना तर्कसंगत निर्णय दे सकते हैं क्या? कोई भी निर्णय देते समय उसकी तर्कसंगत बातें आपको लिखनी होती है। जजमेंट ये कोई एक पेज का दिया नहीं जाता, जजमेंट देते समय उसको तर्कसंगत बातें जो वकीलों ने उनके सामने प्रस्तुत की है उसके आधार पे जो बात उद्धव जी के पार्टी की ओर से की है या माननीय एकनाथ शिंदे जी के पार्टी की ओर से की है उस बारे में न्यायमूर्ति के पद पर जिसपे जिम्मेदारी है वो उस विषय को लेकर तर्कसंगत बातें लिखता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मुलाकात होने से कोई निर्णय बदल सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हारने के डर की वजह से शायद अपने कार्यकर्ताओं को क्या समझाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता तो ये बात तो पूछने वाले है कि भाई साहब अच्छा चल रहा था, महाराष्ट्र की जनता ने 2,30,58,525 मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के सरकार के लिए अपना प्रेम व्यक्त करते हुए मतदान किया था, कांग्रेस राष्ट्रवादी को झटका दिया था, फटका दिया था, दूर किया था। 24 अक्टूबर 2019 की वो मनहूस घड़ी थी 4 बजे की, जब पत्रकार परिषद गए कि आपने अपनी महत्वाकांक्षाओं को जगा दिया, मेरा ही मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद कहा शिवसैनिक बनेगा, फिर शिवसैनिक के जगह खुद शिवसैनिक हो गए, शिवसेना प्रमुख का इतना डिमोशन ये महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखा। अब ऐसा है कि कार्यकर्ताओं को लगता है ना कि नेता कैसा चाहिए, नेता जनभाव को ध्यान में देने वाला, कार्यकर्ताओं के भावना से आहत ऐसा नेता चाहिए, और यहां देखे तो ये सत्ता से आहत है, योज खुर्ची पाइजे ये भाव से आहत है। तो मुझे लगता है कि मन में अब शायद ये भाव तो आया होगा कि अपन ने गलती तो नहीं की, कार्यकर्ता पूछेंगे अच्छा चल रहा था
हम जनता के लिए काम कर रहे थे, जनहित के निर्णय कर रहे थे, मुंबई बदल रही थी, कब मुंबई ने कोस्टल रोड सोचा, कब मुंबई ने कई विकास के कार्यों को होते हुए मुंबईकर को देखना, 1995 से 1999 तक हमारे नेता गडकरी जी ने 55 फ्लाईओवर बनाया था, ये सी लिंक बनाई थी, और उसके बाद आप देखो एक ईस्टर्न हाईवे अगर छोड़ दे तो कांग्रेस के राज में मुंबई पे तो अन्याय होता था। तो सही तो जो सच्चा शिवसैनिक है मन में तो यही भाव है उसके, और यही कारण से जो सच्चा शिवसैनिक था, जो स्वर्गीय इंदुरदेव सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों से जुड़ा हुआ था, जिसके खून के हर कतरे में बाला साहब का हिंदुत्व था, यार वो उन्होंने सोच लिया कि इनके साथ जाने में कोई मतलब नहीं, इनके साथ रहने में कोई मतलब नहीं है, और इसलिए उन्होंने अपनी सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया। यही बोल शरद पवार भी बोल रहे हैं, उनका तो यहां तक कहना है कि शायद क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या वर्डिक्ट आने वाला है, ये देवेंद्र फडणवीस जानते हैं। नहीं, वर्डिक्ट क्या आने वाला है, अगर किसी बच्चे को सूरज कहां से उसका उदय होता है ये पूछा तो कोई प्रश्न चिन्ह, अरे इनको तो सूर्य भगवान पहले ही मिलके गया था। अरे लॉजिक है, तर्क है, सच परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता है, इसके लिए क्या कानून और ये समझना। मुझे लगता है कि देवेंद्र जी एक अच्छे वकील भी है। हमें एक बात तो ध्यान में आती है कि तर्कसंगत संविधान की तर्तुदों का भाव क्या है। आपने तो कभी नहीं कहा कि उद्धव जी ने जनादेश का अवमान किया, ये बात क्यों नहीं गई 19 में, आपने तो हवा दी, जाके उसमें घी डालने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में दूरियां बढ़े, क्या कोशिश की आपने, और आखिर क्या होता, बुरा सोचने वाला, खड्डा खोदने वाला खुद खड्डे में गिरता है। आपने तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को दूर करने का पूरी ताकत से कोशिश की, आपकी किस्मत में क्या आया, तो आपके ही पार्टी के लोगों ने राष्ट्रवादी को घड़ी में आपका कितना बुरा समय चल रहा है ये दिखा दिया। धन्यवाद सुधीर बाबू हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जो साफ तौर पर यहां पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उद्धव गुट को डर है कि वो हार जाएंगे ये केस, शायद इसीलिए इस तरह की एप्लीकेशन या इस तरह के आक्षेप वो अब उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।